21 लाख दिए जलाकर फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। बीजेपी का सनातनियों के लिए ये कैसा संदेश? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से साधेंगे 24 का रन। विपक्ष की जातीय जनगणना को राष्ट्रवाद से जवाब। अयोध्या में योगी कैबिनेट की हुई बैठक में जो फैसले लिए गए उससे स्पष्ट है कि बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नई इबारत लिखने जा रही है। अयोध्या में दीपावली से शुरू होने जा रहे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन काशी के देव दीपावली से होते हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक पहुँचेगी। इसी के साथ अयोध्या समेत 3 तीर्थ विकास परिषदों को मंजूरी और काशी में 109 एकड़ में वैदिक टाउनशिप और काशी के देव दीपावली को राजकीय मेले का दर्जा देकर योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सनातन संस्कृति के जरिए विपक्ष की सारी रणनीति को धूमिल कर देंगे। भारतीय मंदिर संग्रहालय की स्थापना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही अयोध्या शोध संस्थान के विस्तार को भी मंजूरी देकर योगी सरकार ने पौराणिकता को आधुनिकता का जामा पहनाकर वर्तमान पीढ़ी के सामने खड़ा कर दिया है। बीजेपी की कोशिश है कि वर्तमान पीढ़ी को सनातन की जड़ों से परिचित कराया जाए। योगी कैबिनेट के तमाम फैसलों से ये साफ हो गया है कि जातीय समीकरणों के जाल में उलझाने की कोशिश करने वालों को योगी सरकार ने सनातन संस्कृति के वैभव से जवाब देने की कोशिश की है। बिहार से शुरू हुई जातीय जनगणना की धार यूपी आते आते इतनी तेज हो गई कि एनडीए के सहयोगी दलों ने भी बीजेपी पर जातीय जनगणना कराने की मांग शुरू कर दी। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद सरीखे नेताओं ने दिल्ली पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। योगी सरकार ने अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के जरिए जातीय जनगणना के सामने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी में अब लोकसभा का चुनाव जातीय जनगणना बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच होने जा रहा है। बीजेपी अयोध्या की दीपावली में 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने से लेकर काशी की देव दीपावली की पूरे विश्व में ब्रांडिंग करने तक सनातन संस्कृति से हिंदू जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बाद बीजेपी यूपी को लोकसभा चुनाव का बैटल ग्राउंड बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देश के 5 लाख गांव से जोड़ने की योजना है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव से पहले मंडल बनाम का मंडल का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। योगी सरकार ने इसे जातीय जनगणना बनाम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया है।